पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री कश्मीर मुद्दे पर शराफत क्यों नहीं दिखाता? पाकिस्तान में कट्टरपंथी लोग बहुत ज्यादा है, वे कभी भी भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहते हैं। यदि कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कश्मीर पर नरमी दिखा देता है तो ये कट्टरपंथी उसका तख्ता पलट देते हैं। यह लोग कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं और यह वहां के प्रधानमंत्री की मजबूरी है कि वह कश्मीर पर शराफत न दिखाकर कश्मीर मुद्दे पर आग लगाने जैसी बातें करता है। इमरान खान भी पद पर रहते हुए मोदी जी की चाह कर भी तारीफ नहीं कर सका, क्योंकि वहां के कट्टरपंथी उसे पद पर ही नहीं रहने देते। लेकिन इमरान खान ने गद्दी छोड़ने के बाद मोदी जी की और भारत की तारीफों के पुल बांधे हैं। पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री कश्मीर मुद्दे पर शराफत क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि अव्वल तो पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री या नेता भारत के प्रति नर्म है ही नहीं। दूसरा, भारत को कोसने और कश्मीर मुद्दे को ज्वलंत रखने से ही पाकिस्तानी सत्ता की ओर जाने वाला मार्ग खुलता है। इमरान खान पश्तून यानी ईरानी मूल का पठान है। खान 25 सालों के संघर्ष के पश्चात प्रधानमंत्री बना। बाकी पाकिस्तानी राजनीति में पंजाबी और सिंधियों का वर्चस्व रहा है। शरीफ खानदान की बपौती पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में, जबकि बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में वर्चस्व है। पाकिस्तान में ये दोनों पार्टियां एक के बाद एक सत्ता में आती रहती हैं और पाकिस्तान को चुसती रहती हैं। दोनों ही कट्टर रूप से भारत विरोधी है। भुट्टो तो गुजरात के जूनागढ़ के दीवान थे। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भुट्टो ने पाकिस्तान के साथ जूनागढ़ को मिलाने का प्रयत्न करके अपना भारत द्वेष जाहिर कर दिया था। भुट्टो फैमिली का यह भारत द्वेष वंश परंपरागत है। शरीफ बिजनेसमैन खानदान है। पंजाब में उनकी बड़ी स्टील और चीनी की मिलें हैं। इन मिलों के उत्पादन को भारत को बेचकर शरीफ खानदान कमाता है, इसलिए ऊपर से वो नर्म रूप का दिखावा करता हो, परंतु अंदर ही अंदर वो घोर भारत विरोधी है। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। करगिल युद्ध और कश्मीर दिवस का उद्यापन शरीफ खानदान की भारत विरोधी मानसिकता का उदाहरण है। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान से संबंध सुधारने का सच्चे दिल से प्रयत्न किया था। जब वाजपेयी बस में बैठकर पाकिस्तान गए थे तब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे और परवेज मुशर्रफ सेना प्रमुख थे। मुशर्रफ भारत पर हमला करके कश्मीर को छीन लेने का स्वप्न देखा करते थे। ऑपरेशन बद्र के तहत मुशर्रफ ने पाकिस्तानी सैनिकों को आतंकवादियों के भेष में भारत में घुसाया था। शरीफ ने इसे रोकने के बजाय अपनी आंखें मूंद ली थी। एक अच्छे उद्देश्य से पाकिस्तान आए इंसान की पीठ में छुरा घोंपकर शरीफ ने साबित कर दिया था कि वो कितने नीच है। शरीफ की नालायकी के कारण ही प्रतिवर्ष 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस मनाया जाता है। सालों से पाकिस्तान बकलोली कर रहा है कि जम्मू और कश्मीर पर भारत ने जबरन कब्जा जमा रखा है। भारतीय सेना मुसलमानों पर अत्याचार करती है। पाकिस्तान मुसलमानों के साथ है और वो कश्मीर को आजाद कराने का प्रयत्न करने वालों को तन मन धन से हर संभव सहायता करेगा, जैसी बकवास हर कश्मीर दिवस पर करता है। इस दिन आतंकवादी को श्रद्धांजलि देने और कश्मीर के समर्थन में रैलियां करने जैसे नाटक होते हैं।
शरीफ खानदान को भारत के विकास से, भारत के स्वाभिमानी रवैये से कितनी ईर्ष्या है। इसका उदाहरण नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज है। इमरान खान के भारत की विदेश नीति की प्रशंसा करने पर मरियम नवाज बराबर की चिढ़ गई थी। उसने इमरान को ताना भी मारा कि यदि भारत इमरान को इतना अच्छा लगता हो तो उन्हें भारत चले जाना चाहिए और पाकिस्तान की जान छोड़ देनी चाहिए। भारत के विकास की तो इमरान ने बात ही नहीं की थी। इमरान ने रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत के तटस्थ अभिगम की ही प्रशंसा की थी। इमरान भी कट्टर भारत विरोधी हैं, किंतु उसने भारत की सच्ची प्रशंसा की थी। मरियम नवाज यह प्रशंसा को पचा नहीं पाए, इससे उसकी भारत के प्रति नफरत का अंदाजा आ जाता है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शाहबाज भी शरीफ ही है। आप सोचिए कि ऐसे भारत द्वेषी जहरीले नेताओं से शराफत की आशा करना कहां की समझदारी है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और पाकिस्तान कभी भी सुधर जाएगा या सुधरने की कोशिश करेगा आप लोग भूल जाइए। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।